अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स लाइफस्टाइल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन। और डेली रूटीन मेरी कुछ खास नहीं है, जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। सबसे पहले बेड से उठने के बाद मैं जाती हूँ फ्रेश होने, और यहाँ पे मैं अपने टीथ ब्रश कर रही हूँ और अपना फेस वॉश करूँगी। फेस वॉश जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ वो है ब्यूटी चार्म्स का। आप देख सकते हैं कितना थोड़ा सा बचा है, और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऑयली स्किन के लिए सूटेबल है। अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ किचन में आती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए अपना और अपने हस्बैंड का, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब है तो सुबह में उनको जाना होता है, तो मैं भी उनके साथ साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ एक चूल्हे पे मैंने चाय रख दी है, दूसरे चूल्हे पे मैं जो है पराठे बनाने वाली हूँ। आप लोग भी मुझसे ज़रूर अपनी डेली रूटीन शेयर करना, और ये भी ज़रूर बताना कि आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पराठा रख दिया है, बेशक गोल नहीं है, सो बेयर विथ मी गाइस। ओके जी, तो पराठे मेरे बन गए हैं। अब यहाँ पे मैं जो है एग फ्राई करने लगी हूँ। नाश्ते के वक्त पराठे के साथ कुछ ना कुछ खाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो इस वजह से कभी मैं ऑमलेट बना लेती हूँ, कभी अंडा की माँ, या कभी सब्जी रखी होती है, या कभी मैं आलू फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह मल्टीपल कोई भी ऑप्शंस होते हैं तो मैं वो ज़रूर नाश्ते में रखती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है पराठे के साथ खाने में। और यहाँ पर चाय हमारी बन गई है, और चाय को मैं कप्स में डाल रही हूँ। सो या गाइज, अब हम नाश्ता इन्जॉय करने वाले हैं। यहाँ पर नाश्ता रेडी है बिल्कुल। ओके जी, तो नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने हेयर्स में ऑयलिंग कर दूँ। यहाँ पे मेरे पास दोनों ऑयल हैं, ये है ब्यूटी चार्म्स का हेयर ऑयल और दूसरा है प्योर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन का हेयर ऑयल। दोनों बहुत ही अच्छे हैं, दोनों मुझे पीआर पैकेजेस में मिले थे, तो मैं ये ट्राई करने वाली हूँ। करंटली मैं सनसिल्क का शैम्पू और डव का कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। बाद में लॉरेल का ये हेयर सीरम अप्लाई करती हूँ अपने हेयर्स में। अच्छा जी, तो काफ़ी देर मैंने आराम किया और कोई स्पेसिफिक काम नहीं किया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अब लंच टाइम हो गया है, तो लंच में हम खा रहे हैं आलू कीमा। और लंच करने के बाद मैं फ़ौरन चाय रख देती हूं, क्योंकि लंच हम बहुत ही लेट करते हैं। लॉकडाउन की वजह से हम 5:30 बजे लंच करते हैं, तो चाय भी मैं फ़ौरन रख देती हूँ शाम के टाइम। और यहाँ चाय रेडी है। अच्छा जी, तो चाय पीने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अपनी स्किन प्रेप की जाए, और काफ़ी टाइम से मैंने अपनी स्किन प्रेप नहीं की थी। तो स्किन प्रेप करने के लिए सबसे पहला स्टेप आ जाता है क्लींजर का, क्लींजिंग मिल्क मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक्टिन डीएम का जेंटल क्लींजर यूज़ करूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, तो मैंने इसको चूज़ किया। सेकेंड स्टेप जो आता है वो है स्क्रबिंग का। स्क्रबिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस थे जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ग्लो 365 के भी, बट मैंने ये वाला चूज़ किया, फॉर एवर अलॉय स्क्रब। और थर्ड स्टेप आ जाता है मास्क का। मास्क जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है डॉक्टर रोमिया का 7 बेरीज मड मास्क। और मास्क में भी बहुत सारे ऑप्शन है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी। और ये ऑर्गेनिक मास्क भी पड़े हैं मेरे पास, मिरेकल ग्लो का, ओरियोर का, और शीट मास्क भी है मेरे पास जो कि मैं यूज़ करूँगी ज़रूर। और ये सम्स का है मास्क, और उसके अलावा मैंने फाइनली ये चूज़ किया डॉक्टर रोमिया का। और ओके जी, तो अब बारी आती है 24K गोल्ड सीरम की, तो ये भी मैं सीरम यूज़ करने वाली हूँ अपनी स्किन प्रिपरेशन में। और टोनर भी मेरे पास पड़े हुए हैं मल्टीपल, तो टोनर के लिए मैंने चूज़ किया डॉक्टर रोमिया का मंदारिन सिट्रस टोनर। बहुत ही अच्छा है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। लिप्स के लिए लिप स्क्रब मैंने उठाया है और लिप बाम। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने जो है शीट मास्क सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो मैंने जो चूज़ किया है वो है ग्रीन टी शीट मास्क। सब शीट मास्क बहुत ही अच्छे हैं, सब अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे, सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, बट मैंने जो है वो ग्रीन टी वाला चूज़ किया। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप यूज़ करने वाली हूँ अपनी स्किन प्रिपरेशन में, और बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स हैं ये सारी, मैंने यूज़ की हुई हैं। सबसे पहले मैं अपने हेयर टाई करूँगी हेयर बैंड से, उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप अप्लाई करने जा रही हूँ जेंटल क्लींजर, एक्निडियम जेंटल क्लींजर। ये मेडिकेटेड है, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है।
उसके साथ साथ मुझे इस टोनर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे स्किन ड्राई होती जाएगी तो मैं इसको यूज़ करूँगी, और ये कॉटन की भी ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड स्टेप आ जाता है स्क्रबिंग का। स्क्रब मैंने ये चूज़ किया, मेरा फेवरेट है ये, मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया, बहुत अच्छा स्क्रब है। थर्ड स्टेप है डॉक्टर रोम्या का मड मास्क, ये भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। मास्क रिमूव करने के बाद अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ ये ग्रीन टी शीट मास्क। ये कॉरपैक वालों ने मुझे सारे शीट मास्क सेंड किए थे एज ए पीआर पैकेज में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने हाइड्रेटिंग है, कितना अंदर इसके सीरम भी बचा हुआ होता है, तो ये ज़ाया नहीं करना चाहिए, आपको नेक पे आर्म्स पे अप्लाई कर लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग शीट मास्क है, ये स्किन को रिफ्रेश कर देता है। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ मिनीसो का फेशियल मसाजर शीट मास्क। अप्लाई करने के बाद मैं इसको ट्राई करती हूँ। 5 मिनट शीट मास्क रखने के बाद मैंने इस टोनर को अप्लाई किया जो कि है सिट्रस टोनर डॉक्टर रोम्या का। ये 24K गोल्ड सीरम की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने इसको अप्लाई नहीं किया। अब मैं अपने लिप्स को स्क्रब करूँगी इस प्रोडक्ट से, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद जब मैं है लिप बाम अप्लाई करूँगी एंड आई एम डन। बहुत ही अच्छी सी मेरी स्किन प्रेप होगी। अच्छा जी, अब बारी आती है डिनर की। डिनर बनाने के लिए मैं किचन में आई हूँ, और मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं जो है आलू फ्राई कर लूँ। रात में बहुत ही लाइट हमारा खाना होता है, कभी कोई सब्ज़ी बना लेती हूँ या कभी आलू फ्राई कर लेती हूँ इस तरह। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं आलू फ्राई करूँ। तो आलू फ्राई करने के लिए मैं सबसे पहले ऑयल गरम करके उसमें आलू डाल लेती हूँ। उसको फ्राई करने के बाद जब वो फ्राई हो जाते हैं फिर मैं टमाटर इसमें ऐड करती हूँ, और टमाटर ऐड करने के बाद मैं या तो थोड़ा सा गला दे रही हूँ ढक्कन रख के, फिर उसके बाद जो है मैं जो भी मसाले होते हैं वो ऐड करती हूँ ताकि टमाटर भी थोड़े गल जाएँ और आलू भी पक जाते हैं अच्छे से। तो ये मेरी फेवरेट डिश है, जब मैं सुबह में भी नाश्ते में मैं इसको बना लेती हूँ अगर मेरा दिल चाहता है तो। या अच्छा जी, तो यहाँ पे आलू रेडी हो गए थे और मैंने साथ में रोटी बना ली थी, अब मैं डिनर कर रही हूँ। तो गाइज ये थी मेरी डेली रूटीन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तकरीबन रोज़ ही मेरी रूटीन इसी तरह होती है, लॉकडाउन की वजह से हम बाहर भी नहीं निकल रहे। गाइज मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।